इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या रिलेशन है हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको लेके बताते हैं। ये जैसे मान लीजिए यहां पर लिखे हैं हमने ZN और प्लस में CuSO4, वही एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से। तो ये क्या बना रहे हैं, ZnSO4 बना रहे हैं और प्लस में Cu हो रहा है। हमसे ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछा जा रहा है, पहले आराम से इसको आप देखिए, ठीक है ना। अगर यहां पे जिंक क्या है, जीरो है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक देखा जाए तो जीरो है, अकेले है तो जीरो है। यहां पे ये टोटल हो गया -2, तो ये हो गया +2, और ये टोटल हो गया -2, तो ये हो गया +2, और ये हो गया जीरो। तो पहले पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन, तो देखा जाए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, जिंक क्या बन रहा है, जिंक से ZN2+ बन गया है, इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो यहां पर जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक का। ओके, फिर किया किसने है ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन करता है वही ना होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन हुआ है कॉपर का, कि कॉपर से ये बन गया है Cu0, इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है, तो इसी ने इसका ऑक्सीडेशन किया है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, CuSO4, क्योंकि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कहा जा रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रेडॉक्स रिएक्शन। सो बाबू, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में जो खुद को रिड्यूस करता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और खुद को रिड्यूस करके वह किसी और या ऑपोजिट कंपाउंड को या ऑपोजिट एलिमेंट को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस ऑक्सीडाइजेस द ऑपोनेंट कंपाउंड और एलिमेंट। ओके, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वह खुद को रिड्यूस करके और दूसरे कंपाउंड या एलिमेंट को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेता तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसी ने इसका इलेक्ट्रॉन लिया है तब जाके इसका ऑक्सीडेशन हो पाया है। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेस इटसेल्फ टू ऑक्सीडाइज द ऑपोनेंट कंपाउंड और एलिमेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रिड्यूस करके बगल वाले एलिमेंट और कंपाउंड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। फिर कहता है राइट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यही हो जाएगा एग्जाम्पल, और ये बैलेंस्ड है ही। तो चलिए इसे लिखेंगे कैसे ये देख लेते हैं। सो द सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइजेस अनदर सब्सटेंस, वह सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। वह सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है, ओके, उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। दस एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। देखे है ना, यहां से इस कॉपर सल्फेट ने क्या किया, जिंक से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके क्या कर दिया, ZN2+ बना दिया, +2 सो कर दिया। सो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, और जब दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, रिमूव कर देते हैं खुद के लिए, तो खुद को रिड्यूस करके दूसरों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए इसको। जैसे यहां पर वही एग्जांपल है, यहां पर जिंक जीरो है, ये +2 है, ये -2 है, यहां पर जिंक +2 है, ये -2 है, और ये जीरो है। तो कॉपर ने क्या किया, जीरो ले लिया तो रिड्यूस हो गया, और जिंक ने क्या किया, +2 ले लिया तो ऑक्सीडाइज हो गया। सो वही चीज है, कॉपर 2+ ऑक्सीडाइजेस जिंक एटम टू ZN2+। ये कॉपर 2+ जो है, 2+ जो है, ये खुद इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिंक से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जिंक को +2 बना दे रहा है। तो जिंक का इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसलिए जिंक क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। हमारा इलेक्ट्रॉन अगर आप ले लोगे तो हम ऑक्सीडाइज हो जाएंगे,
और हमारा इलेक्ट्रॉन आप लिए हो, इसलिए आप क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाओगे। ओके, तो आप हो जाओगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि आपके कारण हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है, हमारा ऑक्सीडेशन आपके कारण हुआ है, इसलिए आप क्या हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। ओके, चलिए, सो इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस टू कॉपर, और कॉपर क्या करता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को लेके खुद को रिड्यूस कर देता है। सो इन दिस रिएक्शन कॉपर 2+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज टू Zn2+। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन नेम द सब्सटेंस व्हिच गेट्स ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस व्हिच गेट्स रिड्यूस। इसमें भी सेम चीज करना है हमें कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और ये रिएक्शन दिया हुआ है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम यहां पे बाबू रिएक्शन को लिख लेते हैं, PbS+ में H2O2 एरो PbSO4 एंड प्लस में H2O। ओके, बैलेंसिंग वाला चीज नहीं लिखे हम, 4 उसके जो मोल्स में दिए हुए हैं वो नहीं लिखे हैं। चलिए, अब अगर हम दो तरह से इसको देख सकते हैं, देखेंगे आप, यहां से अगर यहां को देखा जाए तो PbS में पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन PbSO4 में ऑक्सीजन है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। जहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है वहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहां H2O2 में 2 ऑक्सीजन था और यहां H2O में 1 ऑक्सीजन है, तो यहां पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। जहां पे ऑक्सीजन रिमूव होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन बोलते हैं। वहां पे रिडक्शन हो गया, तो यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो रिडक्शन हो गया, यहां पे ऑक्सीजन गेन हुआ तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो PbS इज ऑक्सीडाइज्ड, PbS का ऑक्सीडेशन हुआ है। पूछ रहा ना कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो PbS, और पूछ रहा विच गेट्स रिड्यूस्ड, तो H2O2 इज रिड्यूस्ड, H2O2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, हो गया। अब फिर से हमसे क्वेश्चन करता है ये, विच सब्सटेंस एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने आपको पहले ही ये बात बोल दिया बाबू कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो PbS का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, कौन, PbS, और H2O2 का रिडक्शन हुआ है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, H2O2। ओके, सो आप समझ गए हैं कैसे हमको आंसर करना है। तो देखिए लिखेंगे कैसे, आप सेम क्वेश्चन को हम यहां पे डाल दिए हैं। अब यहां पे क्या देखते हैं, PbS इज गेटिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म PbSO4। पहले PbS था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, अब इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया है तो PbSO4 बना दिया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, therefore PbS इज ऑक्सीडाइज्ड। वैसे ही H2O2 में 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन था और H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। ओके, और हमने बोला ही है कि H2O2 जो ऑक्सीजन देता हो वह क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और PbS जो ऑक्सीजन लेता है वह क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ओके, सेम चीज हमने इधर लिखा है, PbS ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन हुआ है और रिड्यूसिंग एजेंट है, और H2O2 का रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नथिंग मोर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ वेट, हाँ ठीक है, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पर लिखें C+O2 एरो दे दें तो हो जाएगा CO2। अगर हम रिएक्टेंट की तरफ देखें और प्रोडक्ट की तरफ देखें तो इधर भी कार्बन 1 है और इधर भी कार्बन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है और इधर भी ऑक्सीजन 2 है। अगर दोनों तरफ के
दोनों तरफ एटम्स का नंबर सेम हो तो हम कहते हैं कि ये क्या हुआ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। ओके, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना है, क्योंकि अगर हम अकॉर्डिंग टू मास देखें तो कार्बन का मास 12 यूनिट हो जाएगा और दो ऑक्सीजन है तो 16 × 2 कर दें तो 32 यूनिट हो जाएगा, तो 44 यूनिट हो गया मास रिएक्टेंट का। वही अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो कार्बन का 12 और सेम टू सेम 32, दैट इज 44 यूनिट हो गया। सो सेम मास रिएक्शन से पहले था और सेम मास रिएक्शन के बाद है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ओके, पता होगा 1785 में एंटोइन लेवाइजर ने ये लॉ दिया था, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मीन्स मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखिए यहां पर सेम टू सेम मास रह जा रहा है, मतलब ना तो क्रिएट हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओके, अगर हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो वो गलत माना जाएगा। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए, H2 और प्लस में O2 एरो H2O, यहां पे देखिए इसका मास हाइड्रोजन का 2 यूनिट हो जाएगा, इसका 32 यूनिट हो जाएगा, ऐड किया जाए तो 34 यूनिट हो गया रिएक्टेंट में, और यहां पे 2 यूनिट हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 यूनिट हो जाएगा, इसका 18 यूनिट हो जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहां पे क्या पता चल रहा है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में सेम मास नहीं हो रहा है, मतलब मास डिस्ट्रॉय हो गया है, और ये क्या कर रहा है, ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसके अनुसार तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहां पर तो सेम मास हो ही नहीं रहा है, मतलब कुछ मास डिस्ट्रॉय हो गया है, और हम जानते हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसीलिए हम लोगों को केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर देना चाहिए, ताकि वहां पर क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होगा हमेशा फुलफिल हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे, यहां पे 2 पुट कर देंगे, यहां पे 2 पुट कर देंगे, अब 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, अब ये बैलेंस्ड हो गया। सो अब इसको कैसे लिखेंगे, देख लीजिए, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों ही एलिमेंट्स का दोनों साइड में क्या हो, नंबर ऑफ एटम इक्वल हो, तो हम कहते हैं वह एक क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड बिकॉज देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर का मास का ना तो लॉस होता है और ना ही गेन होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मस्ट होल्ड ट्रू फॉर Each reaction, okay? For the reaction, हर reaction के लिए law of conservation of mass क्या होना चाहिए? True होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी reaction पे work कर रहा है, किसी reaction पे work ही नहीं कर रहा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। Okay? The law of conservation of mass is true for every reaction in this universe. Okay? हर reaction के लिए true होता है। एक चीज का ध्यान रखा जाएगा यहाँ पे कि mass of an isolated body is always conserved. इसी का एक पार्ट है। मास हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। बहुत इजी चीज है, उसी वक्त से हम लोग इसी को बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसी को देखा जाए, ZnO + C, 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 ZnO + C
है, यहां पे ऑक्सीजन माइनस हुआ है और यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पे ऑक्सीजन गेन हुआ है, ऑक्सीजन गेन हुआ है। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है। कौन रिड्यूस हुआ है? तो ZnO रिड्यूस हुआ है। ओके, तो इसका हो गया है रिडक्शन। तो जहां से ऑक्सीजन निकलता है वहां पर होता है रिडक्शन, और जहां पे ऑक्सीजन जुड़ता है वहां पर होता है ऑक्सीडेशन। ओके, और अगर आप इसी को चाहें तो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में देख लीजिए कैसे होगा, Zn प्लस में CO, ये क्या हो जाएगा,
माइनस टू प्लस टू जीरो, जीरो प्लस टू माइनस टू। ओके क्या हो जाएगा बाबू यहां पे, जिंक से ऑक्सीजन तो जेड एन टू प्लस था और यहां पे जीरो है, मतलब जिंक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। और इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है कार्बन ने, ये पहले इसके पास जीरो था प्लस टू है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो पूछा जाए यहां पे कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो कौन हुआ है बाबू, कार्बन। और कौन रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस्ड कौन हुआ है बाबू, जिंक ऑक्साइड हुआ है। ओके लिख देंगे ना, चलिए नेक्स्ट 4Na, इसको अब देखा जाए, नेक्स्ट वाले को B को देखा जाए, तो Na प्लस में O2 एरो Na2O। ओके चलिए तो यहां पर जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और यहां पे प्लस टू हो जाएगा, यहां पे माइनस टू हो जाएगा। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसका हो गया रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो गया, ऑक्सीडाइज कौन है, सोडियम, और रिड्यूस्ड कौन है, रिड्यूस्ड कौन है, ऑक्सीजन। लिख देंगे इसको भी, नेक्स्ट सी नंबर CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, Cu प्लस में H2O। ओके तो अगर हम यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो प्लस टू माइनस टू जीरो, जीरो प्लस टू माइनस टू। यहां पे कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसका हो गया है रिडक्शन, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। तो पूछा जाएगा कि कौन रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस्ड कौन है, CuO, और कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन है भैया, H2 है। ओके सबको अलग अलग लिख देंगे ना, चलिए तो कैसे करेंगे हम लोग, C इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ने ऑक्सीजन लिया है तो ऑक्सीडाइज हो गया, और ZnO इज रिड्यूस, तो जिंक ने ऑक्सीजन दे दिया है, लॉस कर दिया है तो हो गया। सोडियम इज ऑक्सीडाइज, ये सोडियम क्या हुआ है, यहां पर ऑक्सीजन गेन कर दिया है और ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, क्योंकि ऑक्सीजन जो हो गया ये अपने खुद को रिड्यूस करके इसको ऑक्सीडाइज किया हुआ है, और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन तो आप देखे ही हैं अभी क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर रिड्यूस हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन को माइनस किया है, और यहां पे ऑक्सीजन प्लस किया है तो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो H2 इज ऑक्सीडाइज एंड कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। बहुत इजी है, डोंट वरी। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप पढ़ लेंगे ना, रेडॉक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। ओके बहुत अच्छा लगेगा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर अबाउट चेंजेस इन्वॉल्विंग हीट। जितने भी अभी क्वेश्चंस दिए जाएंगे 11 नंबर क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चंस, 11A, B, C, D, E 5 क्वेश्चंस हैं। तो सबके सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनमें हीट के डिपेंड करते हैं, मतलब हीट के आधार पे सबके सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो समझेंगे आंसर किया जाएगा। डिस्क्राइब टू एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्विंग हीट। देखिए दो क्या बोल रहा है यहां पे, कि फिजिकल चेंज हो, फिजिकल चेंज हो और उसमें हीट इन्वॉल्व हो रहा हो। क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा एक चीज, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट पढ़ा होगा ना, चेंज ऑफ स्टेट। तो पहला तो ये हो गया चेंज ऑफ स्टेट, फिजिकल चेंज है और क्या है, हीट इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जब हम लोग क्या करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट में मिला होगा आपको कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, तो सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है, मतलब मेल्टिंग होता है ना जी, लिक्विड क्या होता है, गर्म होकर वेपर बन जाता है, तो वेपर बनने के लिए हम लोग वेपोराइजेशन बोल देते हैं, या फिर हम लोग उसी को क्या कहते हैं, बॉइलिंग कह देते हैं। गैस क्या होता है, ठंडा होके कंडेंस होके क्या कर लेता है, लिक्विड बना देता है। तो सी में क्या पढ़े थे आपने, कंडेंसेशन पढ़ा था, कंडेंसेशन आपने पढ़ लिया। फिर
आपने पढ़ा कि अगर लिक्विड को हम लोग टेम्परेचर कम कर दें और उसको कम कर दिया जाएगा, टेम्परेचर फ्रीज कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। तो पहला तो ये हो जाएगा चेंज ऑफ स्टेट, ये फिजिकल चेंज है और इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट, हीट के इन्वॉल्व करने से एक और चेंज हो सकता है। बाबू जब हम हीट करते हैं ना किसी चीज को, तो एक्सपेंड हो सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ओके, जैसे हम लोग अगर हीट करते हैं किसी चीज को तो फैलता है ना, एक्सपेंड होता है, फैलने लगता है, और अगर हीट को कम कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये भी यूज हो सकता है। सो कैसे आंसर करेंगे, हीट चेंजेस में कॉज ऑब्जेक्ट्स टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑब्जेक्ट्स को एक्सपेंड कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके, एंड अनदर एग्जांपल फॉर द फिजिकल चेंज कॉजेज द हीट इज अ चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट में भी चेंजिंग हो सकती है। कैसे? दिस इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड सब्लिमेशन। हाँ, सब्लिमेशन भी होता है। सब्लिमेशन क्या होता है? डायरेक्ट कोई सॉलिड को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन हो जाएगा। वो भी क्या हो रहा है? चेंज ऑफ स्टेट ही हो रहा है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। कैम्फर को हम लोग छोड़ देते हैं, कैम्फर को हीट कीजिएगा, वो डायरेक्ट गैस बन जाता है, उसका लिक्विड नहीं बनता, कपूर बोलते हैं कैम्फर, वो डायरेक्ट गैस बन जाएगा। ये सब हीट का ही कमाल है। एंड हीट लॉस में ऑल्सो कॉज द फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड डिसब्लिमेशन। डिसब्लिमेशन को ही हम लोग बाबू डिपोजिशन बोलते हैं। ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चाहे गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए, चाहे सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए, इन दोनों को ही आपने सब्लिमेशन पढ़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर सॉलिड से गैस बनता है ना, तो इसे हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। लेकिन अगर गैस से सॉलिड बनता है तो इसको हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं। ओके, या आप इसको डिसब्लिमेशन बोल सकते हैं। है समझ में? तो ये सब के सब हीट का ही एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल हो गया। ओके, द नेक्स्ट, डिफाइन द केमिकल चेंजेस कॉल्ड कॉम्बिनेशन। केमिकल चेंज है, ध्यान दीजिएगा, केमिकल चेंज है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक खूबी है कि इसमें हमेशा सिंगल प्रोडक्ट होता है, याद रखिएगा, सिंगल प्रोडक्ट होता है। ओके, यूजिंग अ वर्ड इक्वेशन गिव वन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कंबाइन करते हुए, इन्वॉल्व करते हुए एक वर्ड इक्वेशन देना है। जैसे आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन गैस में अगर हम ऑक्सीजन गैस को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। ये एक एग्जांपल हो जाएगा वर्ड इक्वेशन में। आप चाहे तो एक और दे दिए, सोडियम जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यही हमारा कॉमन साल्ट होता है ना, टेबल साल्ट या कॉमन साल्ट बोलते हैं, हो जाएगा ना। चलिए, सो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म वन प्रोडक्ट को आप क्या बोल सकते हैं? सिंगल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ओके, सो आयरन प्लस में सल्फर जब आपस में मिक्स होते हैं तो आयरन सल्फाइड बनाते हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Fe प्लस में S क्या बना देंगे, FeS बना देंगे इसको हीट करके। ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, सिंगल बना है ना। लेकिन आपको वर्ड इक्वेशन लिखना है, इसको आप नहीं लिखेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, डिफाइन द केमिकल चेंज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। केमिकल चेंज है और थर्मल डिकम्पोजिशन। बाबू थर्मल डिकम्पोजिशन को पहले समझ लेंगे। थर्मल मतलब हो गया हीट,
और डीकंपोजिशन मतलब हो गया ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। याद रखिएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमेशा सिंगल रिएक्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन में सिंगल प्रोडक्ट होता है और डीकंपोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट होता है। थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब हो गया हीट देके आप क्या कर रहे हैं, किसी कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं, हीट देके ब्रेक कर रहे हैं। ओके, जैसे हम लोग क्या करें, अगर आयरन सल्फेट को, या हम इसको बोल देते हैं फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट को आप अगर हीट करेंगे ना तो फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। ओके, ये इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक और कर सकते हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट कर देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। रिएक्शन अगर इनका देखना है तो आप देख सकते हैं FeSO4 को हीट करेंगे तो Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3, ये इसका हो गया। अगर इसका देखना है तो हो जाएगा CaCO3 अगर हीट करेंगे तो CaO प्लस में CO2 हो जाएगा। ओके, सो डिफाइन द थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट गोज टू ब्रेक डाउन इंटू या स्प्लिट्स इंटू टू और मोर कंपाउंड, टू और मोर प्रोडक्ट्स बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स इंटू टू और मोर प्रोडक्ट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। हीट को अप्लाई करने पे एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स के फॉर्म में टूट जाता है। ओके, सो थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ केमिकल चेंज इन्वॉल्विंग हीट इन विच वन रिएक्टेंट को आप क्या बोल सकते हैं, सिंगल रिएक्टेंट बोल सकते हैं। सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सिर्फ आपको वर्ड इक्वेशन लिखना है, लिखना ना यूजिंग वर्ड इक्वेशन, सिर्फ आपको यही लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखिएगा। अगर हम इसको हीट दे देते हैं तो CaO और प्लस में CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डिफाइन द केमिकल चेंज कॉम्बसन। कॉम्बसन का मतलब होता है ना बर्निंग, कॉम्बसन का मतलब क्या होता है, बर्निंग होता है, बर्निंग होता है। अब बर्निंग जब भी होगा तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई चीज जल सकता है, कॉम्बसन प्रोसेस हो सकता है। सो हम लोग कह सकते हैं कि अ रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट ब्रोक या अ रिएक्टेंट बर्न्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एक रिएक्टेंट क्या करता है, खुद को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है, अ रिएक्टेंट बर्न इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका एक अगर हम लोगों को वर्ड इक्वेशन लेना है तो क्या करेंगे, CH4 मीथेन गैस को, सॉरी मीथेन गैस को अगर हम ऑक्सीजन देते हैं क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और प्लस में वाटर बनता है ना, अब प्लस में एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। वैसे ही कार्बन को अगर हम लोग ऑक्सीजन दे देते हैं, जैसे कोयला है, कार्बन ऑक्सीजन दे दिया जाए तो वह क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ये दोनों के दोनों कंबसन के एग्जांपल्स हो जाएंगे, मीथेन वाला CH4 प्लस में O2 एरो CO2 प्लस में H2 हो जाएगा, CO2 प्लस में H2O हो जाएगा एंड प्लस में एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ओके, वैसे ही कार्बन को जलाते हैं, आप कोई भी लकड़ी जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, अगर आप कुछ भी जलाएंगे तो कार्बन तो जरूर जलेगा ना, सब में कार्बन होता है, तो C प्लस में O2 क्या बना देगा, CO2 बना देगा।
ये कोयला के लिए आप यूज कर सकते हैं या कोक बोल दीजिए, आप उनको अगर बर्न करते हैं तो ऐसा ही केस प्रेजेंट होगा। कैसे लिखेंगे? कंबसन इज अ केमिकल चेंज इन्वॉल्विंग हीट इन विच वन रिएक्टेंट इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, जैसे कार्बन प्लस में ऑक्सीजन इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ओके, एंड द लास्ट वन इज हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिकम्पोजिशन एंड मेल्टिंग। डिकम्पोजिशन और मेल्टिंग के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो बाबू, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ना, ये एक केमिकल चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज। लेकिन मेल्टिंग जो होता है ना, मेल्टिंग ये एक तरह का फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है मेल्टिंग, फिजिकल चेंज। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना, इसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है, ब्रेक्स टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स। सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है, लेकिन इसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ओके, ओनली चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, सिर्फ स्टेट में चेंज आता है। ओके, तो हम इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो मेल्टिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व द चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सॉलिड से लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, बट डिकम्पोजिशन इज अ केमिकल चेंज विच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। इसमें नए सब्सटेंस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको खत्म कर लिया है, कंप्लीट हो गया आपका ये फर्स्ट लेक्चर। इसमें हमने 4 टॉपिक्स का डिस्कशन किए थे। ओके, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग आगे के टाइप्स ऑफ रिएक्शन जितने भी होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जितने भी अदर टाइप के रिएक्शन हैं, सारे के सारे रिएक्शन को, मीन्स टाइप्स ऑफ रिएक्शन को उसमें हम लोग कवर करेंगे। अगर कहीं भी किसी तरह का आपको दिक्कत हो रहा हो, कोई मिस्टेक हो लग रहा हो, तो आप लोग कमेंट करेंगे या फिर हमारे नंबर पे कॉल करेंगे। ओके, थैंक यू।